जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कानपुर प्रथम आगमन पर कानपुर के कई स्थानों पर स्वागत हुआ। वहीं शास्त्री चौक पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। नगर अध्यक्ष शिवा ठाकुर व हजारों कार्यकर्ताओं ने राजा भैया का तलवार माला पहनाकर स्वागत किया। हजारों गाड़ियों की तादाद में राजा भैया का काफिला निकला। कानपुर से संवाददाता जितेंद्र सोनकर की खास रिपोर्ट। महंगाई बेरोजगारी ये सब धन्यवाद आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों के लिए आज नहीं तो आगे समस्या खड़ी करेंगे। आरक्षण का मुद्दा उठाने वाले हमारे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ही जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और हमारे राजा भैया आज की डेट में उन्होंने 100 से 125 सीटें चिन्हित करी हैं जिसमें वो जीत हासिल हम लोगों की है उसमें से लड़ेंगे और आगे ये कारवां कहाँ तक जाता है इसका हम लोग निर्णय करेंगे। क्या आज महंगाई को लेकर भी कोई चर्चा की है इस बूथ पे? महंगाई को लेकर राजा भैया ने समय समय पे चर्चा करी है लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा आरक्षण है। हम लोग आरक्षण पे पहले मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं और महंगाई के मुद्दे पे हम लोगों ने पहले भी कई बार बात कर चुकी है। स्वागत समारोह में आज कितने लोग लगभग इकट्ठा हुए? स्वागत समारोह में आज हमारे कम से कम 1000 साथियों ने स्वागत किया है जिसमें बहुत ही भीड़ भाड़ हो गई थी जिसमें कुछ धक्का मुक्की किसी हो गई।